हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर, नीट यूजी के जो स्टूडेंट्स है काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो गाइस, फिर से पोस्टपोन हो चुकी है काउंसलिंग, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो आखिर कब अब काउंसलिंग होने वाली है, क्या उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर दिया गया है, नीट यूजी 2021 को लेकर गाइस बिग अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तो जो नोटिस आया है आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि एक्सटेंड कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन, और एक्सटेंड कर दिया गया है जो काउंसलिंग होनी थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है उसको लेकर। तो आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन, पूरा ऑफिशियल नोटिस डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए गाइस, हम डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। तो गाइस ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस आज ही की डेट का है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, 15% का रिजर्वेशन है वो एमसीसी कंडक्ट करवाएगी, और स्टेट कोटा 85% का रिजर्वेशन है वो सभी अपने अपने स्टेट्स कंडक्ट करवाएंगे, पर्टिकुलर स्टेट्स है। ठीक है गाइस, तो जो एमसीसी की सबकी एक ही बात है, काउंसलिंग एक साथ ही गाइस स्टार्ट होने वाली है, पहले बाद में स्टार्ट नहीं होगी। तो महाराष्ट्र स्टेट का जो है उनने अपना नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, तो उनने अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को किसी वहम में नहीं रखा, उन्हें क्लियर कर दिया है कि भाई जो काउंसलिंग वगैरह है वो पोस्टपोन होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं पोस्टपोन लिखा हुआ है सीधे सीधे क्लियरली। ठीक है, तो देखिए, एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम था और जो पेमेंट का टाइम था, कौन कौन से कोर्सेज के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएस, बीएसएलपी, बीपीएनओ, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इन सभी की जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो एक्सटेंड कर दी गई है। और कब तक एक्सटेंड की गई है, 17 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। जबकि गाइस टाइम जा चुका था, 8 जनवरी को फाइनल जो स्टेट रैंक लिस्ट थी वो जारी होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें भी फेज वन फेज टू का उसमें पोस्टपोन कर दिया गया है। डायरेक्टली यहाँ पर नोटिस के अंदर लिख दिया गया है पोस्टपोन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 13 जनवरी से 17 जनवरी का कर दिया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी है इन सभी कोर्सेज के लिए, वो भी 13 जनवरी से 17 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। और जो स्कैन कॉपी होगी वो आपको अपलोड करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच ही अपलोड करने हैं। और गाय जो जनरल लिस्ट होगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की, वो डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, कोई डेट नहीं दी गई है। डेट इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि एमसीसी के थ्रू कुछ फाइनल बोला नहीं गया है कि काउंसलिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी। और जब तक एमसीसी की काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आ जाती है, कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करवा सकता। ओनली प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टेट्स ने करवाया, लेकिन गाइस जो काउंसलिंग है वो अभी कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो अब इसके अंदर क्या लिखा गया है, द शेड्यूल ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फेज वन फेज टू एंड फेज थ्री एंड राउंड्स फॉर ऑल द हेल्थ साइंस कोर्सेज विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स। बस इतना लिखा है, अदर इंस्ट्रक्शन विल रिमेन सेम। बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सब सेम रहेगी, जो 28 दिसंबर 2021 को नोटिस जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ये वैसे तो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन सभी स्टेट्स मान सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो स्टूडेंट मान सकते हैं, क्योंकि गाइस अभी मानकर चलिए काउंसलिंग अभी आपके स्टार्ट नहीं होने वाली है। 17 जनवरी तक का टाइम दिया है, तो ये क्लियरली पता है कि 17 जनवरी तक तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ही नहीं, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो चाहे स्टेट कोटा की हो। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है जो काफी ज्यादा वरीड है इस चीज को लेकर कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, उनका एकेडमिक सेशन पूरा गया, पूरा लॉस हो गया। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि क्या ऐसा होगा कि इस साल दो जो बैचेज है एक साथ बैठेंगे 2022 एंड 2023 का। तो गाइस ऐसा ही लग रहा है अब तक, तो थोड़ा वो 2-3 मंथ का गैप होगा, बाकी आपका जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से जाने वाला है। क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन नीट यूजी का अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बस माना जा रहा है कि बहुत जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन गाइस अब तक नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा।
तो गाइज आपका फर्स्ट काम होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।